बेटा, कैसे जाने वाले पता नहीं। अबे नीचे आ, मैं कह रहा हूँ उतारना है। मेरे को लाइव लोकेशन व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, एक घंटे का। मेरे को पेट्रोल डलाना पड़ेगा, वो नहीं किया बस लग जाएगी। इस रोड में एक अलग ही वाइब आती है, ये अलग ही स्वाग में चल रहे हैं। हाँ, ऊपर जाने के लिए। ये मेरे को ऐसी भूख लग रही है ना, क्या नज़ारा है यार ये इसका। मतलब एंट्री गलती से 15,000 हो गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्किन ब्लॉग्स। ओके, सो अभी आप लोग को जितने भी वीडियोस लगी होगी बहुत अच्छा ही लगा होगा अगले। ओके, सो अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और भी आगे वीडियोस आने वाली है, जैसे आज का वीडियो हम लोग का है। मैं अभी निकल रहा हूँ ऑफिस ट्रिप के लिए, सो इट्स अराउंड 60 किलोमीटर्स। एवरीथिंग इज बीन सेट नाउ, सो आप देख सकते हैं ये होम थिएटर मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पे। ओके, देन यू कैन सी द बैक, एवरीथिंग इज बीन रेडी। सो ये सब मैं अपने बाइक पर ट्रैवल करने वाला हूँ, कैसे मुझे नहीं पता, आपको आगे पता चल जाएगा। सो फाइनली गाइस, आई हैव टू लीव, एक ही बैग, एक ही होम थिएटर। कैसे जाने वाला है पता नहीं, बट लेट्स सी, जाने तो वाला ही है। हेलो, आसफ के आते हो ना तुम लोग? ठीक है ठीक है, बस आ गया मैं। राहुल, अबे नीचे आ, मैं कह रहा हूँ उतारना है। भाई क्या किधर कर रहा मेरे को लाइव लोकेशन व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, एक घंटे का, एक घंटे का डाल के। अरे उसको डाल देना, घर को लेके डायरेक्ट। अरे एक डाल देना, साथ में चलेंगे ना, तो मैं शेल पेट्रोल तो भगाते हुए जा रहा हूँ यहाँ से, और लाइव लोकेशन के हिसाब से आ जाऊंगा। चल ले आराम से जा, आराम से आ जा। सो होप कि आप सब सही होंगे ऑब्वियसली। सो अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, ओके, अगर आपको पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, आई रियली नीड यू गाइस टू सपोर्ट मी, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं निकलूंगा ऑफिस ट्रिप पे, सो जस्ट अभी जाके निकले। मैं सुबह के 6 बजे से निकला हुआ था और अभी 8 बज रहा है, अभी हम लोग निकले हैं। सो जो जगह जा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट मैंने तक उन लोग से लोकेशन लिया नहीं है फार्म हाउस का। सो इट्स लाइक अ ब्लंट ट्रिप कि बन गया, चलो चलते हैं। सो ऐसे करके जा रहे हैं। अब पहले मेरे को पेट्रोल डलाना पड़ेगा, वो नहीं किया बस लग जाएगी। वैसे अभी तक अगर देखा जाए तो मेरी गाड़ी अच्छी खासा एवरेज से 48 के एवरेज से निकाल रही है मेरी गाड़ी, तो नॉट एन इशू। और अगर देखा जाए तो
लास्ट फुल पे मेरी अभी तक चल चुकी है 507 किलोमीटर, मतलब कि 10 लीटर मैंने डलाया था तो उसके हिसाब से 507 किलोमीटर चल चुकी है. सो नॉट गुड, लाइक इवन आफ्टर 3.5 ईयर्स लाइक शी इज़ गिविंग मी द सेम माइलेज. लेट मी जस्ट चेक कितनी और चलेगी. आई मीन लाइक 48 किलोमीटर्स, ओके. सो 48 किलोमीटर्स अभी तक चल चुकी है रिजर्व पे, मतलब रिजर्व इसमें नहीं होता. बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, 48 किलोमीटर्स हो चुका है इस पे क्लॉक. तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे. मेरा पेट्रोल पंप का स्पॉट इस तरफ से आएगा बिकॉज मैं अपनी गाड़ी में शेल के अलावा और किसी भी पेट्रोल का यूज़ नहीं करता सिंस I bought this bike. I only use shell petrol. Because उससे मेरे को पता है कि हाँ engine will be like refined. उसका जो आपका carburetor रहेगा जो उसका FI है basically carburetor नहीं जो fuel injection है वो आपका clean रहता है. मैंने जब भी अपनी गाड़ी को service कराया है 3 सर्विस में उसका FI change मतलब ये clean होता है और बंदे ने बोला है कि बॉस गंदा ही नहीं है. So this is a big reason. I go for Shell. Finally, petrol pump to aa gaye. Full pe chala na? Full. नॉर्मल सारे बाइक करके यही प्रॉब्लम है. 1300 पर रोक दीजिएगा, बस हो गया. करेक्ट 11 लीटर है. Let's go. So, ये है जेएम रोड, वन ऑफ द ब्यूटिफुल रोड्स पुणे. नमस्ते. मतलब कि इस रोड में एक अलग ही वाइब आती है, अभी आपको आगे पता लगेगा. और शाम के टाइम पे अगर मैं इस रोड पे आ गया, और एक है FC रोड, लाइक ये दो जो रोड का जो वाइब्स है ना, यू कैन मैच विद एनी अदर रोड इन पुणे. बिकॉज बेसिकली यहाँ पे आपको यंगस्टर्स ही दिखेंगे, कॉलेजेस हैं आसपास, सो मैक्सिमम यंगस्टर्स ही यहाँ पे आते हैं, आपको दिखेंगे हर जगह. यहाँ पे मेरा फेवरेट स्टोर भी है. पीछे निकल गया, वन प्लस का था. और अभी यहाँ से लिया जाएगा लेफ्ट. देखो ये अलग ही स्वाग में चल रहे हैं. ये ब्रिज जस्ट अभी बना है, लाइक इसके नीचे आता है नल स्टॉप. एंड नल स्टॉप रात के 2 बजे के बाद तो एक अलग ही जेंट्री दिखती है. बस रात के 2 बजे के यहाँ पे एक शॉप है जो चाय एंड ऑल सब ब्रेकफास्ट का करता है. रात के 2 बजे से आपको ऐसी भीड़ दिखेगी ना इधर, पागल हो जाएगा. आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती कभी क्या, इतने लोग खड़े रहते रोड पर. बोले साइड में लिटरली. और दिस इज वन ऑफ द नाइट स्पॉट फॉर मी, कि रात में अगर कहीं नहीं चलना सीधा एक राइड का राइड हो जाता, चाय की चाय हो जाती, और क्या चाहिए. और मैं जब इस रूट से निकल ही रहा हूँ तो एक बार सर्विस सेंटर भी देख ही लेते हैं. मेरा मेन सर्विस सेंटर है, वहाँ पे एक बार पूछ के देख लेता हूँ एक बार जो मेरे को काम कराना है वो कब कराऊँगा. अभी मेरे को उस पर बहुत डाउट आ रहा है क्योंकि मेरा स्केड्यूल इतना बिजी हो गया है ना, ऑफिस ऑफिस के बाद सोना, उसके बाद उठ के एडिटिंग एंड ऑल,
क्या जो घर के काम रिलेटेड, मैंने सोच के रखा है कि हर वीक में 3 वीडियोस तो मिनिमम पोस्ट करूं ही करूं। क्या भाई कैसे चला रहा, अलग मज़े में चल रहा है। तो मैं तो टाइम देखना तो भूल ही गया था, अभी 8:30 हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि अभी तक सर्विस सेंटर खुला होगा, बिकॉज टाइमिंग स्टार्ट फ्रॉम लाइक 9:30। आई डोंट थिंक सो कि खुला होगा, बट ट्राई मारने में क्या जाता है जब इधर से निकल ही रहा हूँ। लेट्स सी, उधर तो शॉप बंद है, नहीं खुला, क्लोज। यो 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 माय व्यूअर्स, कहाँ तक पहुँचे? हम लोग अभी पॉड रोड मैं ये ठीक है ठीक है, मैं नीचे खड़ा हूँ। ये जो नहीं बिल्डिंग बन रही थी ढलान पे साइड में, हाँ बन गई है वो, एक नंबर दिख रही है, बन गई है वो, मैं उसके सामने ही खड़ा हूँ। हेलो, हाँ ऊपर जाने के लिए, हाँ सीसीडी, हाँ मैं भी हाईवे टच हो रहा हूँ, हाईवे से अभी लेफ्ट ले रहा हूँ अपना ऊपर खड़ा दे उसके लिए, चांदनी चौक के लिए। ये रूट तो मेरे को आज तक नहीं पता था क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बहुत टाइम हो गया मेरे को इस रूट पे आए हुए। अमेजिंग रोड, क्या मस्त रूट है, क्या मस्त रोड बनाने में। एक टाइम पे ये जो आपको जितनी चौड़ी रोड दिख रहे हैं ना, गली जितनी रोड थी एक टाइम पे, सीरियसली। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे को अभी अपने बाइक पे कौन से ग्राफिक्स करवाने चाहिए? सो मैंने सोच के रखे हैं 2-3 डिज़ाइन, लेकिन आई एम टू कन्फ्यूज टू बी ऑनेस्ट, लाइक कौन सा होना चाहिए, बिकॉज उसके पहले मैं पॉलिश नहीं करवा रहा, उसके पहले मैं सिरामिक नहीं करवा रहा, एक बार पहले वो हो जाए उसके स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कोई अगर आपके पास है आइडियाज़ तो प्लीज़ गो अहेड एंड सेंड मी, कैन गो अहेड एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, इट्स विद द सेम नेम मिस्टर आर्केन। अभी मेरे को ऐसी भूख लग रही है ना, बिकॉज ऑफिस रात में किया एंड मेरे को आदत है सुबह कुछ खा के नाश्ता करके सोने का, लेकिन अभी जो भूख लगी है ना मेरे को लिटरली, मैं चाहते ही जैसे टूटने वाला हूँ ना। जो मिलेगा और उसमें बीच में से कुछ उठाऊंगा, अभी है एक्चुअली जो मेरे पेट की जो आवाज़ें निकल रही है ना, नेक्स्ट लेवल निकल रही है। सो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके जस्ट कॉर्नर में, सबसे कॉर्नर में जो आपको दिख रहा है ना, वन ऑफ द बेस्ट, लाइक मेरे को तो उस फोटोग्राफ पे एक नंबर लगता है। वहाँ की सराउंडिंग, वहाँ पर रात में बैठना, जस्ट नेक्स्ट टू लेक, मज़ा आ जाता है। क्या हवा चल रही है बॉस, इधर से क्या नज़ारा है यार, लिटरली रात में क्या दिखता होगा, ये फुल सुकून भरा। इसका उम्मीद नहीं था। सो फाइनली हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, मेरे गाड़ी चल रही थी वो आगे पहुंच चुकी है। एंड क्या रोड है यार, शाम के टाइम पे यहाँ पे आके चिल आउट करने का अलग ही मज़ा है। हाँ बस ओडो बस लगा के आना पड़ेगा, वरना मच्छर चिल आउट करेंगे वेरी ऑनेस्ट। हैं और कितना दूर है ये, फाइनली आ गए हैं, दिस इज द स्पॉट।
दिस इज द एंट्री के घरकुल एग्री टूरिज्म के फुला ऑफ रोडिंग है के तकलीफ यही है गाड़ी तो अपनी खड़ी है ये लोग यहाँ पे नुका भी चालू कर दिया फोन ना अरे संजीव गलती से 15,000 हो गए मेरे तो 15,000 हो गए।